साथियों नमस्कार। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल कुशवाहा की चूरू लोकसभा क्षेत्र से जीत पर हुई। मलखेड़ा गांव के तमाम ग्रामवासी हैं, आप सरपंच साहब दीपक जी भी बैठे हैं, पूर्व पंचायत समिति मेंबर होशियार सिंह जी भी हैं, हमारे सुभाष जी तालणिया साहब भी बैठे हैं, भागीरथ भाकर जो सोसाइटी के अध्यक्ष और तमाम किसान सभा के और पार्टी के साथी इंडिया गठबंधन के साथी यहां मौजूद है। देर रात है, बड़ा जोरदार माहौल है, जश्न है। अभी साथियों ने रंग खेल करके पटाखे बजा करके खुशी मनाई। सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया गठबंधन की हिंदुस्तान में जो स्थिति बनी है, मोदी जी जिस तरीके से प्रचार कर रहे थे 400 पार और उनके तमाम एग्जिट पोल कई तो 400 पर ही ले गए थे और कई 350 और पलान पता नहीं किस किस टाइप की बातें कर रहे थे। और परसों और कल में दो दिन में जनता में ये संदेह भी पैदा हो गया था कि क्या हो सकता है, एग्जिट पोल क्या कह रहा हो। लेकिन एग्जिट पोल की बजाय एग्जैक्ट जो पोल आया है वो कमोबेश जनता के पक्ष का। यार मैं आपको गौर करवाने के लिए बात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के बॉर्डर से लेकर के दिल्ली तक और यहां हम हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे, यहां से लेकर के जयपुर तक और यहां से ठेठ आप चारों तरफ से देखोगे ये किसान पट्टी है। पश्चिमी यूपी से लेकर के और यहां से धौलपुर करौली तक चंबल के घाट तक टोटल जीत सीटें इंडिया गठबंधन जीता है। उसकी वजह यह है कि लोग मोदी के तानाशाही रवैये से, मोदी के कुशासन से, संविधान विरोधी बातों से, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसको बदलने की धमकी से, काले कानूनों के खिलाफ, अग्निवीर के खिलाफ, जाति और धर्म की सांप्रदायिक राजनीति को खत्म करने के लिए लोगों ने मतदान कराया। निस्संदेह सामने की पार्टियों की कोई जोरदार तैयारी नहीं थी, लेकिन कामरेड अमराराम की जीत, हनुमान बेनीवाल की जीत, राजकुमार रोत की जीत ये साबित कर रही है कि लोग मोदी को हराना चाहते थे। मैं सही बताऊं आपको, कांग्रेस की जिस तरीके से सीटें बढ़ी है शायद उन्हीं को उम्मीद नहीं होगी कि हमारी इतनी सीटें बढ़ सकती हैं। उसकी वजह है कि जनता ने अपोज करा है मोदी का। यूपी में जिस तरीके से अयोध्या की सीट, जो ये पूरे देश में प्रचार कर रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अयोध्या की सीट का हारना इस बात का संकेत है कि अब सिर्फ राम के नाम की पॉलिटिक्स आपकी नहीं चलेगी। राम के नाम की पॉलिटिक्स से आप देश के नौजवान को रोजगार नहीं दे सकते। राम आस्था है, लेकिन राम के नाम का जो गोरख धंधा भारतीय जनता पार्टी ने चलाया हुआ था ये इनके मुंह पर तमाचा मारा है अयोध्या की जनता ने। और आज जो यूपी के जो परिणाम आए हैं निस्संदेह ये बताते हैं कि मुद्दा है रोजगार, मुद्दा है बेकारी भूखमरी, मुद्दा है लोगों की आजादी, मुद्दा है लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार, मुद्दा है स्वास्थ्य, मुद्दा है सड़क बिजली पानी, मुद्दा है इस देश में किसान और किसान की खुशहाली, मुद्दा है देश के मजदूर को मजदूरी और उसके हक की बात, मुद्दा है उसके बेटों की शिक्षा की बात। ये इन मुद्दों पर देश आगे बढ़ेगा। निस्संदेह मैं बधाई देना चाहूंगा चूरू की जनता का और इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इतनी गर्मी में मेहनत की और मेहनत करके आज 72,000 वोटों से चूरू से राहुल कुशवाहा जीते हैं और 72,000 से ज्यादा कामरेड अमराराम जो सीकर से जीते हैं, ये इस बात का सूचक है कि जनता किसान के मुद्दों पर मजबूती के साथ लामबंद है। जिस तरीके से काले कानूनों के खिलाफ ये इलाका लड़ा था, पंजाब का, हरियाणा का और राजस्थान का, पश्चिमी यूपी का, जो पड़ाव डाल करके लड़ा था, आज वही बात याद करते हुए चुनाव की जीत में तब्दील हुए। इतना बड़ा मोदी का इलेक्ट्रोल बॉन्ड का रुपया खर्च करने के बावजूद ये जनता की जीत है और इस जीत से हमें ये सबक लेना है कि इस राजनीति को मुद्दों की राजनीति पर आगे बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरीके से ईमानदारी से जनता ने वोट डाले हैं, मैं समझता हूं कि यहां के जीते हुए एमपी ईमानदारी से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जनता की मुद्दों की बात पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएंगे, फिजूल की पॉलिटिक्स फिजूल की बातों को नहीं करेंगे। एक बार फिर तमाम ग्रामवासियों समेत पूरे लोकसभा क्षेत्र और पूरे हिन्दुस्तान की उस तमाम प्रोग्रेसिव जनता को धन्यवाद और सलूट जिन्होंने इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करा। अभी सारे परिणाम नहीं आए हैं, कल तक सारे परिणाम क्लियर हो जाएंगे। मैं समझता हूं अभी 50-50 है, एनडीए की सरकार भी बन सकती है और एनडीए से हटकर के इंडिया की सरकार भी बन सकती है।
ये परिस्थिति सामने है। लेकिन एक मजबूत विपक्ष के रूप में अगर एनडीए की सरकार भी बनती है, एक मजबूत विपक्ष के रूप में इंडिया गठबंधन आया है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम जनता के मुद्दों की पॉलिटिक्स को मजबूत करेंगे। एक बार फिर आपको बधाई, धन्यवाद, थैंक यू।